अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लॉरियल का हेयर स्पा आप कैसे कर सकते हो। तो मैं लॉरियल के सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें दो क्रीम बात मिसिंग है और एक एम्प्यूल मिसिंग है, बट इसमें आपका पूरा स्पा हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे आप ये हेयर देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डैंड्रफ है, डैमेज है, थोड़े से ड्राई हेयर है, मॉइस्चर नहीं है बालों में, तो उसके लिए हम स्पा करेंगे। थोड़ा बहुत हेयर फॉल भी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ऑल इन वन में एक हेयर स्पा दे सकते हो, जो कि है लॉरियल का। उसका नाम ही हेयर स्पा है। तो फर्स्ट आपको करना है हेयर वॉश, अच्छे से आपको हेयर वॉश करना है। प्यूरिफाइंग शैम्पू जो है लॉरियल का, तो इसी शैम्पू से आपको पहले अच्छे से बाल हेयर वॉश करने हैं। अगर ज़्यादा ऑयली हो तो आप दो बार भी कर सकते हो, बट आप प्रॉपर हेयर वॉश कर लो अच्छे से उनके हेयर्स पे। अच्छे से फिंगर से इमल्सिफाई करो शैम्पू को अच्छे से स्कैल्प में। उसके बाद आपको एक कॉन्सेंट्रेट लेना है जिसका नाम है प्यूरिफाइंग कॉन्सेंट्रेट, और वो एंटी डैंड्रफ में आपको काम आता है, स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको काम आता है। उसके साथ मैं ले रहा हूँ स्मूदनिंग का क्रीम बाथ, तो कि थोड़ा सा स्कैल्प स्मूदिंग हो, थोड़ा सा स्कैल्प में भी ड्राइनेस है। तो उसके साथ हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दो स्कूप, और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे वो एम्प्यूल के साथ। और आपको क्या करना है, ये जो मिक्सचर है इसे बस स्कैल्प में लगाना है। जो एम्प्यूल के साथ वाला मिक्सचर है वो बस आपको स्कैल्प में लगाना है, ना कि लेंथ पे। और बहुत लोगों का मैंने स्पा देखा है, बहुत लोग डायरेक्ट क्रीम बाथ रूट में लगा देते हैं विदाउट एम्प्यूल, तो वो बहुत गलत प्रोसेस है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्लाइंट का स्पा का रिजल्ट भी नहीं आएगा और क्लाइंट को डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, क्योंकि जो क्रीम बाथ होता है उसमें कंडीशनिंग एजेंट होते हैं। तो आप जब भी स्पा करते हो तो विथ एम्प्यूल ही स्कैल्प में लगाओ, विदाउट एम्प्यूल डायरेक्ट क्रीम बाथ आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है। तो आप ये ध्यान दें कि आप जब भी एम्प्यूल लगाओगे विथ क्रीम बाथ तो रूट में लगाओ, जिससे आपके स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। तो मैं फर्स्ट अभी रूट्स पे छोटे छोटे सेक्शन लेके रूट में स्पा क्रीम बाथ और जो एम्प्यूल है एंटी डैंड्रफ का वो रूट में लगा रहा हूँ। अगर समझो इन्होंने कलर किया रहता, अगर कलर वाले हेयर रहते तो मैं क्या करता था, रूट में भले ही स्मूदनिंग या मैं नरिशिंग का क्रीम बाथ यूज़ करता, बट लेंथ पे मैं क्या करता, रिपेयरिंग का क्रीम बाथ यूज़ करता। तो आपको बाल देख के ये समझना है कि कौन से बालों पे कौन सा क्रीम बाथ जाना चाहिए, वैसे ही आप बालों का प्रॉब्लम देखिए और उस हिसाब से ही क्रीम बाथ और कॉन्सेंट्रेट चूज़ कीजिए। तो रूट का एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ पे वापस स्मूदनिंग का ही क्रीम बाथ ले रहा हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा ड्राइनेस है उस हिसाब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो लेंथ पे मैं वही क्रीम बाथ यूज़ कर रहा हूँ। तो देखा आपने, मैंने फर्स्ट एम्प्यूल के साथ रूट में एप्लीकेशन किया था, एम्प्यूल विथ क्रीम बाथ ऐसा एप्लीकेशन मैंने रूट में किया था, और लेंथ में मैं बस क्रीम बाथ यूज़ कर रहा हूँ, ना कि कोई एम्प्यूल। तो बहुत लोग उल्टा भी कर देते हैं, एम्प्यूल के साथ पूरा लेंथ पे लगाते हैं। अगर लेंथ पे आप एम्प्यूल और हेयर स्पा क्रीम दोनों भी चीज़ें लगाओगी तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है बालों के ऊपर, ना कोई फ़ायदा भी नहीं है, बस आपका प्रोडक्ट वेस्टेज जाएगा। तो आप जब भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको लेंथ पे बस क्रीम बाथ लगाना है, रूट पे आपको एम्प्यूल विथ जो हेयर स्पा का क्रीम है वो लगाना है। तो ये ज़रूर ध्यान देना है आपको, आप जब भी हेयर स्पा करते हो तो। और क्लाइंट को रिकमेंड कीजिए कि घर पे भी आप वही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो कि आप स्पा के साथ दे सकते हो, जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम है स्कैल्प रिलेटेड, ड्राइनेस या डैंड्रफ, वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो जो हेयर स्पा है आप कितने बार कर सकते हो, इस तो हेयर स्पा आपको मंथ में एक बार करना ज़रूरी है। 20-25 डेज में एक बार अगर आप करते हो तो बालों की हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है, बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने स्मूदिंग किया है, आपने कलर किया है, जो भी आपने केमिकल किया होगा, तो इससे वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी बाल आपके डैमेज नहीं होते, बाल अच्छे पोजिशन में रहते हैं,
बालों में कोई प्रॉब्लम जैसे डैंड्रफ, हेयर फॉल, ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो स्पा आप रेगुलर कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये हेयर के लिए बहुत अच्छा, एक मेंटेन करने के लिए आप ये हेयर स्पा कर सकते हो। जो लोग ज़्यादा केमिकल करते हैं वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा केमिकल अगर करते हो तो आप हेयर स्पा हर 25 डेज या 1 मंथ में एक बार ज़रूर कीजिए, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और एक बाल मेंटेन भी रहेंगे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो करते ही नहीं है, बाद में डैमेज होने के बाद, स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग के बाद डैमेज हो जाते हैं, फिर बाद में आते हैं बोलते हैं हमारे बाल डैमेज हो गए। तो आप जब भी कोई भी केमिकल जैसे स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग कलर कुछ भी आप करोगे तो उनको ज़रूर रिकमेंड करना कि 1 मंथ के बाद या 15 डेज के बाद एक बार का स्पा करके लो, जिससे बाल अच्छे रहे, मेंटेन रहे, हेल्दी रहे और उनका स्कैल्प भी अच्छे से हेल्दी रहे। तो आपको ये ज़रूर बोलना है क्लाइंट को, जब भी आप कोई भी केमिकल सर्विस करते हो तो आप हेयर स्पा ज़रूर कीजिए मंथ में एक बार। तो दोस्तों एप्लीकेशन देखो, मैं इमल्सिफाई कर रहा हूँ लेंथ पे, बस क्रीम बाद ना कि एम्प्यूल। तो ये लगाना है आपको लेंथ पे अच्छे से। ये होने के बाद आपको 15 मिनट हेड मसाज देना है स्कैल्प में अच्छे से, और क्लाइंट को करना है रिलैक्स, क्योंकि हेयर स्पा का मीनिंग है कि स्पा होता है तो हेड मसाज आएगा, अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको अच्छे से हेड मसाज देना है 15 to 20 मिनट्स, डिपेंड है आप कैसा देते हो। तो आप पहले एप्लीकेशन के बाद हेड मसाज दो और उसके बाद आपको देना है स्टीम। आप हॉट टॉवल भी रैप करके रख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप के पास वो अवेलेबल है या नहीं। जो लोग घर पे करना चाहते हैं तो वो लोग टॉवल यूज कर सकते हैं, हॉट टॉवल गर्म पानी से निचोड़ के आप बालों को रैप करके रख सकते हो। और सलून वाले जो लोग हैं वो आप अच्छे से स्टीम ले सकते हो, जिससे ये प्रोडक्ट पेनिट्रेट होने के लिए मदद करेगा, इसलिए आपको स्टीम यूज़ करनी है। स्टीम 10 मिनट्स होने के बाद बस आपको प्लेन रिंस करना है, ना कि कोई शैम्पू ना कोई कंडीशनर, ओनली प्लेन रिंस आपको करना है। उसके बाद मैं इसे करूँगा ड्राई 100% ड्राई। तो आपको इसे करना है प्रॉपर ड्राई। ड्राई करने के बाद देख सकते हो आप रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है और इनका लेंथ भी कितना अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है। आप इसके बाद सीरम यूज़ कर सकते हो, सीरम के बाद आप पैडल ब्रश कर सकते हो। गीले बालों को ना छोड़िए, नहीं तो बाल वापस डैमेज हो जाएंगे, उसके ऊपर धूल मिट्टी बैठ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। और भी